उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद में भी जन्माष्टमी के पूर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। जनपद में सभी मंदिरों को फूलों और बिजली की झालरों से सजाया गया है। शाम से ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली है। मंदिर में भजन कीर्तन सहित धार्मिक आयोजन किया गया। सर, जन्माष्टमी के मौके पर क्या प्रोग्राम हुआ, आपके क्या कहना चाहेंगे? मंदिर झांकियां बनी रही हैं और मटकी का प्रोग्राम भी यहाँ रहता है हर साल। व्यवस्था सफाई भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छी भीड़ आपको देखने को मिली यहाँ पर। रात को 12 बजे उत्सव हुआ, हम लोग यहाँ मौजूद हैं अपने घर छोड़ के। तो दही हांडी मटकी भी फोड़ी गई है? मटकी का भी प्रोग्राम रहता है, अगले दिन रहता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दहेज की मांग पर एक और युवती भेंट चढ़ गई। शादी के 7 महीने के बाद भी नवनिवाहिता का शव संगीत हालत में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। 19 वर्षीय कलीम नाम के युवक के साथ 7 महीने पहले कोर्ट मैरिज किया था। जी सर, एक लड़की डेट हुई है, क्या मामला है पूरा और क्या है? महिला द्वारा महिला की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर पुलिस गई तो वहाँ पर उसकी बॉडी मिली, जिसका पंचायतनामा करवाया जा रहा है, पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उसके परिवार वाले जो भी तहरीर देंगे उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, फोरेंसिक की टीम भी आई? हाँ आई है। तो फोरेंसिक की टीम ने कुछ अब तक बताया है कुछ? उन्होंने अपना मेजरमेंट वगैरह जो करते हैं वो अपना कर दिया है। जो भी अपना क्राइम ऑफ सीन था उसका निरीक्षण कर दिया गया। सर, कैसे इसकी मौत हुई इसके बारे में कुछ जानकारी है? पंखे से लटकने का। मेरठ में मेडिकल थाना पुलिस में CRF के जवान सत्येंद्र को झूठा मुकदमे में फंसा कर जेल भेज दिया गया। सस्पेंड दरोगे ने साथ ही पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर छुट्टी पर आए कमांडो को पहले बेरहमी से पीटा और फिर घर में घुसकर तोड़फोड़ करते हुए कमांडो के परिजनों को भी बेरहमी से पीटा। इस घटना में कमांडो की पत्नी और बेटे को गंभीर चोट आ गई। सर, एक CRPF के जवान को जेल भेजा गया है, किस मामले में जेल भेजा गया है, क्या था? इसमें परसों रात में एक व्यक्ति जा रहा था जिससे मोटरसाइकिल की टक्कर हुई और जो CRPF का जवान बताया जा रहा है उसने उसके ऊपर पिस्टल तान दिया और उसका मोबाइल लेके चला गया। इस सूचना पर पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने उसके जो जानकारी किया जानकारी के आधार पर उसके घर पे गई। घर पे गई तो उसके परिजन और वो जो CRPF का जवान है ये पुलिस से भिड़ गए। पुलिस के साथ बदसलूकी किए, इवन काफ़ी उन्होंने मुजाहमत किया। फिर किसी तरीके से पुलिस आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनको थाने पर ले आई और तथ्यों की छानबीन करके जो चीज़ें मिली थी उसके आधार पर इनको विधिक अभिरक्षा में रखा गया और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, बताया जा रहा है कि उनके परिजनों का यह आरोप है कि वहाँ पर पड़ोस में एक सस्पेंडेड दरोगा और एक चौकी इंचार्ज रहता है, उनकी मिली भगत से उनके घर पर हमला करा गया, उसकी पत्नी को पीटा गया, कुछ वीडियो भी वो लोग मुहैया करा रहे हैं। नहीं, अगर ये मुहैया कराते हैं किसी हमको देते हैं किसी को भी देते हैं तो उसको देखा जाएगा, जो भी सही होगा कार्रवाई होगी। आदमी क्या करेगा? कमांडो था मेरे बेटे तो। उत्तराखंड के सितारगंज के कानपुर मटिया के कैलाश नदी से हो रहा कटाव को रोकने के लिए अनुसूचित जातियों के लोगों ने सितारगंज SDM को ज्ञापन सौंपा। अगर इसी तरह कटाव होता रहा तो बहुत ही जल्दी गांव के घर बह सकते हैं। ज्ञापन दिया है SDM साहब को और उनसे यही निवेदन किया गया है कि नदी जो कटान कर रही है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और इस पर पत्थर की पिचिंग बनाई जाए पक्की, क्योंकि बरसात का समय है और समस्या और भी आगे बढ़ सकती है। गांव की तरफ सीधा कटान कर दिया है और कृषि वाली ज़मीन का इसमें कटान हो रहा है। गांव के लिए ये जो ज़मीनों का कटान कर रही है गांव की तरफ ही बढ़ रही है नदी। पहले बहुत आगे चलती थी, मेरी बात हुई गांव में तो यहां पे बताया गया है कि पहले बहुत आगे चलती थी और धीरे धीरे 2-3 साल से ये गाँव की तरफ ही बढ़ रही है सीधी। तो इसलिए हम आज भी निवेदन करते हैं SDM साहब से जल्द आएँ, वो यहाँ पर सर्वे करें और कोई ठोस कदम उठाएँ और जल्द से जल्द यहाँ पर पिचिंग बनाने की व्यवस्था करें। यूपी के देवरिया सदर कोतवाली के खेराराम गांव के सड़क विवाद को लेकर देर शाम दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष महिला समेत 4 लोग लहूलुहान हो गए। वहीं दूसरे पक्ष से एक महिला को घायल होने की सूचना जानकारी डायल 100 को दी। डायल 100 तत्काल घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया। वरिष्ठ पुलिस अध्यक्ष के निर्देश अनुसार चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत चरथावल थाना अध्यक्ष सूबे सिंह SI हीराराज सिंह ने पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर
बधाई काला गांव में छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से मदन निवासी बधाई काला को शराब यूरिया आदि से तैयार करते हुए दबोचा। ग्वालियर पाटनकर चौराहे पर स्थित राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। यहां पर श्रद्धालुओं की कतारें सुबह से ही देखने को मिली। लड्डू गोपाल की एक झलक पाने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लड्डू गोपाल की प्रतिमा को श्रृंगार करके झूले में बिठाया गया। ये कितने वर्ष पुराना मंदिर है? मंदिर करीब 150 वर्ष पुराना मंदिर है। ये कितने श्रद्धालु में कष्ट 2,500 का आदमी आ जाएगा। तो आज क्यों बनाया? आज श्री कृष्ण भगवान का